शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एन सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार ट्रैवलिंग पे था और आज काफ़ी दिनों के बाद अपने गोरखपुर सेंटर पे अवेलेबल हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 5 जून को प्रिडिक्शन ऑलरेडी बताया जा चुका था कि शनि देव वक्री गति से चलेंगे और जब ये वक्री गति से चलेंगे तो काफ़ी परेशानियां उत्पन्न होगा। और इवन अगर आप देखिए, चाहे वो नुपुर शर्मा के केस की बात कह लिया जाए या जितने भी विवाद लगातार एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, वो सभी वक्री शनि के बाद ही हुए हैं और लगातार इस पर कार्यवाही भी चल रही है। अभी हम लोग आज बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी का समन जारी किया गया है और उसके लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो इस केस में लगातार आप लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि प्रिडिक्शन देने के लिए कि क्या होगा आगे चलकर। तो मैंने इसको रिसर्च किया पूरे अच्छे तरीके से और रिसर्च करने के बाद कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ज़रूर निकाली है। इसमें मैंने 2 चीज़ों को ज़रूर ऐड किया है। एक जो स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का 2 जनवरी 1978 12 बजे और दिल्ली में जो ये स्वतंत्र जिस समय इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इंदिरा गांधी जी द्वारा स्थापित करने का जो ये टाइम दिया हुआ है वेबसाइट पे या आप इंटरनेट पे देखिएगा तो इस चार्ट में बृहस्पति की दशा जैसे ही प्रारंभ हुई थी वैसे ही इनका पतन प्रारंभ हो गया था, अर्थात कांग्रेस पार्टी का पतन प्रारंभ हो गया था। 2011 तक राहु की महादशा चली थी, 91 से लेकर 2011 तक राहु की महादशा थी। और आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ। मीन लगन का चार्ट आपको दिखेगा, लगन में केतु विराजमान है और बृहस्पति जो है लग्नेश केंद्र में होकर वक्री दशा में है। सप्तम स्थान पर आपको राहु के साथ चंद्रमा भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर परेशानी क्या उत्पन्न हुई, राहु की दशा जब चली तो काफ़ी परेशानियों के बाद भी कहा जाए लगातार एक ऐसी कंडीशन बन गई थी कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद कांग्रेस का कमान कौन संभालेगा। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में उन्नति हुई और कांग्रेस ने 2013 तक राज्य स्थापित किया। 2014 के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी सरकार को कायम रखा हुआ है। तो इस समय जो कांग्रेस की दशा चल रही, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो कांग्रेस की कुंडली को तो देखना ज़रूरी है और साथ में इसमें जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे और 2000 करोड़ का जिस घोटाले की बात की जा रही है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर जो नेशनल हेराल्ड करके न्यूज़पेपर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिनको जिनका फाउंडेशन बनाया गया था उनके न्यूज़पेपर का जो विवाद आगे चलकर बढ़ा है। और आप लोगों को पता होगा कि 3 भाषाओं में इसको प्रकाशित किया जाता था। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे ज़रूर इसको सर्च कर सकते हैं। मेरा जो मेन मुद्दा यहाँ पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने का है कि कांग्रेस की जो दशा इस समय चल रही है बेहद ख़राब समय चल रहा है। बृहस्पति के अंदर राहु और बृहस्पति के अंदर मंगल, ये पहले मंगल की दशा वर्तमान में चल रही है जो कि अक्टूबर में ख़त्म होगी और इसके बाद बृहस्पति के अंदर राहु चलेगा। बृहस्पति के अंदर राहु थोड़े टाइम के लिए इनको एक अच्छा परिणाम भी देगा क्योंकि राहु की महादशा इनके लिए अच्छी गई है। लेकिन अभी भी अक्टूबर तक का जो टाइम है वो कुछ ऐसा समय चल रहा है कि परेशानियां एक के बाद एक बढ़ने वाली है और इस कारण से ईडी का जो वक्री शनि के प्रभाव में जो ये केस पुनः एक बार बुलाया गया है और पूछताछ लगातार जारी है, इस पर आगे का अपडेट यही है कि ये पूछताछ अभी भी चलेगी और इसका जो परिणाम आपको दिखाई देगा पूरे तरीके से जब शनिदेव पूरे
तरीके से, अभी तो 1 डिग्री के ऑलरेडी मैं बता चुका था, 1 डिग्री के हैं, वक्री हुए हैं और ये धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हैं। 12 जुलाई को ये पीछे चले जाएंगे, लेकिन एक समय जब आएगा जब ये पूरा पूर्ण रूप से 2023 में जब कुंभ राशि में ये पहुंच जाएंगे और वहां पर जब ये वक्री होंगे 14-15 डिग्री का जब इनका एंगल रहेगा, यानी डिग्री 14 से 15 डिग्री का जब रहेगा, उस समय वक्री नीचे दृष्टि से डालने के कारण वहां पर कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी परेशानियां उत्पन्न होगी। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज के एपिसोड में राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो इस पर पहले भी बता चुका हूँ, 18 जून 1970 में, और 9:52 का समय था, दिल्ली में जन्म हुआ था, ये रात्रि में समय था। मकर लगन की कुंडली बनती है और इनकी कुंडली एक एक बात को बताती है कि क्या इनकी कुंडली में प्रॉब्लम रही है, क्यों ये बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। और इनके कई आपने स्पीच रखे होंगे जिसमें कुछ विचित्र बातें बोलने के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इस समय इनकी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है और इनका मकर लगन है। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा वैसे भी मार्गशीर्ष की भूमिका निभाता है, शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से परेशान रहना ये चंद्रमा की दशा ज़रूर इनको बता रही है। भले इनको अपने कुल का सहयोग प्राप्त है जिसके कारण इनको ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है और ये काफ़ी ट्रैवलिंग करने के लिए विदेशों में यात्रा भी कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो वर्तमान में दशा चल रही है वो चंद्रमा के अंदर शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इनका पापकर्त्री योग में है और पापकर्त्री योग में होने के कारण इनका विवाह भी नहीं हुआ। शुक्र अगर अच्छा होता तो इनको अच्छे रिजल्ट ज़रूर दे देता, क्योंकि इसमें योग कारक माना जाता है मकर लगन की कुंडली में। तो एक तो शुक्र की अंतरदशा का चलना और चंद्रमा मारक यानी दोनों ही ग्रह खराब होने के कारण 25 अक्टूबर 2022 तक इनको परेशानी बढ़ती रहेगी। और इनका जब चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा स्टार्ट होगी तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2023 जैसे ही अप्रैल का महीना ख़त्म होगा और उसके बाद वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो दो बातें आज ही नोट कर लीजिएगा। एक तो राहुल गांधी की कुंडली में जब वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी, मकर लगन है यानी द्वितीय भाव में शनि देव गोचर कर रहे होंगे, और नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव माता का होता है तो माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट ज़रूर रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड इनको हुआ और अभी भी ये एडमिट, ये ऑलरेडी इनकी जो मदर है वो एडमिट है, और जो भी रीज़न रहा हो, चाहे वो दिखावे के लिए हो चाहे जैसा भी हो, मैं इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन 25 अक्टूबर 2022 तक का जो समय है वो माता के लिए भी ख़राब है और पुत्र के लिए भी ख़राब है। ओवरऑल कहा जाए इसमें जो एक्चुअली में जो सजा मिलनी है वो 2023 में जब 15 डिग्री के शनि हो जाएंगे, लगभग अक्टूबर नवंबर का आसपास का जो मंथ होगा, उस समय काफ़ी ये मामला और तूल पकड़ लेगा और उस समय 2024 के चुनाव की तैयारी भी चल रही होगी। तो कुछ उसी के आसपास न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसमें सच्चाई क्या है या खराबी क्या है, क्योंकि न्यायाधीश इस समय शनिदेव हैं, इस वर्ष की कुंडली के वर्षेस भी शनिदेव हैं, तो हर तरीके से मैं देखूं तो शनिदेव न्याय देने के लिए यहाँ पर परेशान हैं, चाहे वो दंगा कराकर बाद में न्याय देंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को सारे लोग एकजुट होने के बाद में न्याय देंगे, लेकिन न्याय तो शनिदेव यहाँ पर देने ही वाले हैं और न्याय जल्दी इस केस में मिलेगा। और 2023 के सितंबर तक का मेरा डेडलाइन है, उसके पीछे दो रीज़न है, एक तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी खुद की दशा भी उस समय तक काफ़ी ख़राब रहेगी, और साथ में इनकी अर्थात राहुल गांधी की जो मारक दशा है वो ऑलरेडी 2023 के बाद भी मंगल की दशा नैसर्गिक रूप से शनि के एंटी होने के कारण और परेशानी बढ़ाने वाली है।
शुक्र के अंतरदशा में तो इनको ज्यादा ही परेशानी देखने को मिलेगा। और ईडी का जो केस है, भले ही सामने में आपको दिखाई देगा कि कुछ दिन के बाद पूछताछ करने के बाद बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन ये केस बंद नहीं होगा, केस तो चलेगा ही। और ये केस का जो फैसला होगा वो लंबा केस है और ये 2023 के सितंबर तक आपको दिखाई देगा कि इसमें जो असली गुनाहगार है वो जेल में जाएंगे, ऐसा मेरी भविष्यवाणी है। और इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। तो इस समय देखिए, दूसरे जो कुंडली मुझे चेक करनी है वो सोनिया गांधी जी की कुंडली चेक करनी है। समय अभाव के कारण अभी मैंने केवल राहुल गांधी और कांग्रेस का जो पूरा कनेक्शन है, जो इस केस में ज़्यादा एग्रेसिव होकर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इस पर मैंने पूरा गहन अध्ययन करने के बाद इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि इसमें जो भी दोषी है वो 2023 तक इस केस का फैसला ज़रूर हो जाएगा और उसी समय लोकसभा 2024 के चुनाव की भी जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। हो सकता है कि 2023 के सितंबर ना होकर उससे 2-3 मंथ आगे या पहले इसके निर्णय आ जाए, लेकिन निर्णय जो भी होगा वो सभी लोग, जनता ज़रूर यहाँ पर देखेगी। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।